Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. We use these kind of sentences in our daily life. तो यदि आप भी इसी प्रकार के sentences को सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. देखते हैं आज का फर्स्ट सेंटेंस लिखा है स्विमिंग इज इजी फॉर मी. कई बार जिस आदमी को जिस चीज़ की प्रैक्टिस होती है या जो कोई भी किसी चीज़ में प्रैक्टिस करता है उसमें वो परफेक्ट बन जाता है. तो यदि आपको तैरने में आप परफेक्ट है तो बोलते हैं स्विमिंग इज इजी फॉर मी, तैरना मेरे लिए आसान है, यानी कि मुझे तैरना अच्छे से आता है. ही कैन कॉल यू एनी टाइम. जब किसी भी व्यक्ति को आपसे कोई काम होता है या आपसे मिलना होता है तो बोलता है कि मैं आपको फोन करूंगा. और यदि आप कहना चाहते हैं कि वह कभी भी आपको कॉल कर सकता है तो इसको बोलेंगे ही कैन कॉल यू एनी टाइम. ही कैन कॉल यू एनी टाइम. जब कभी कभार कोई हमारे बड़े बुजुर्ग हमको समझाते हैं, कभी कभार डांट देते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि डोंट टेक इट सीरियसली. इस डांट को इसे गंभीरता से मत लो, टेक इट पॉजिटिव वे, इसे पॉजिटिव वे पे लो. Send him to right now. यदि कोई किसी व्यक्ति को आप तुरंत चाहते हैं कि वह मेरे पास आए या किसी से कहना चाहते हैं कि उसे मेरे पास अभी भेजो तो उसको बोलेंगे send him to me right now. आपने यह क्यों कहा? कभी कभार कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी कह देता है और जब सोचता नहीं है सामने वाला इस प्रकार से पूछना चाहता है कि आपने यह क्यों कहा. Why have you said this? Why have you said this? जब कभी किसी काम में कई लोग मिल करके कोई काम करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है हर आदमी कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए. इसको बोलेंगे आई वॉन्ट माई शेयर. आई वॉन्ट माई शेयर. जब कभी कभार आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति का मूड सही नहीं होता है, थोड़ा सा अपसेट दिखता है तो आप पूछते हैं व्हाट हैपेंड टू यू टुडे. व्हाट हैपेंड टू यू टुडे. आज तुम्हें क्या हुआ है. आज तुम्हें क्या हुआ है. जब कभी कभार कोई व्यक्ति मिलता है कि बोलता है कि मैंने उसका कई बार नाम सुना था, कई लोगों से नाम सुना था. I met him first time. मैं तो उससे पहली बार मिला. I met him first time. जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लायक नहीं होता है तो हम कहना चाहते हैं वह इसके लायक नहीं है. इसको बोलेंगे He does not deserve it. He does not deserve it. कभी कभार कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए बोलता है और जब काम पड़ता है तब वो इधर उधर करने लगता है तो आप जनरली उससे बोलते हैं कि ये सब क्या है. What is this all? What is this all? So dear friends, you can also speak English with the help of these sentences. तो ये if you read, write or listen these sentences again and again, then you will be able to speak English. So dear friends, I hope कि आपको इस प्रकार के sentences पसंद आए होंगे. यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा like करिए, share करिए और यदि आप channel के लिए नए हैं तो please इसे subscribe करिए, bell icon को press करिए ताकि इस प्रकार के video आप तक पहुँच सकें. Thank you for watching.